2020 का न्यू नॉर्मल है मास्क, यानी कि आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ICMR के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना फैलने का रीजन है कि यहाँ के कुछ लापरवाह लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसके कारण कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, बड़े तो फिर भी समझ जाएंगे, पर बच्चों को कैसे समझाएं, स्पेशली हमारे टॉडलर्स को कैसे ट्रेन करें कि वो मास्क पहने, क्योंकि CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे 2 साल के ऊपर के हैं उन सबको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि मास्क पहनने से ड्रॉपलेट आपके बॉडी तक पहुंचने के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं। यानी कि आप प्रॉपर अगर प्रिवेंशन करें, यानी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क पहने और प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। पर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं कि आपको मास्क पहनना है, तो आज मैं नेहा आपके साथ ये कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी, जैसे मैंने आदि को ट्रेन किया है मास्क पहनने के लिए। वी एज ए पेरेंट्स हम सबने फेस किया है कि अगर हमारा विलफुल टॉडलर ने चाह लिया कि उसको ये चीज नहीं पहननी है, तो हमको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो हैट हो, चाहे सनग्लासेस हो, चाहे कोई न्यू टी शर्ट ही हो, अगर उसका मन नहीं है तो कितना स्ट्रगल है हम सबको पता है। सेम वही चीज मास्क के साथ फॉलो होती है, बच्चों ने अगर चाह लिया कि उनको मास्क नहीं पहनना है तो बहुत ही स्ट्रगल है। तो बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें, देखिए कुछ बच्चे इस मास्क से डरते हैं और कुछ उसको पहनना नहीं चाहते, पर इन टिप्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को अगर मास्क पहनाते हैं, यानी टॉडलर्स को मास्क पहनाते हैं, तो उनमें चोकिंग हजार्ड होने के, यानी कि उनको सफोकेशन होने के चांसेस भी होते हैं, और मास्क पहनने के कारण बच्चा ज्यादा हाथ मुंह में लगाते हैं। पर आप मास्क वहां नहीं भी पहना सकते हैं अगर आप ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां 6 फीट तक बच्चे की दूरी में कोई भी इंसान नहीं है, दूसरा वहां पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बच्चा टच करे और इन्फेक्शन के चांसेस हो। पर अगर आप अपने बच्चे को प्लेग्राउंड में ले जा रहे हैं, या तो कहीं ग्रोसरी स्टोर में ले जा रहे हैं, या किसी पब्लिक प्लेस पे ले जा रहे हैं, तब मास्क पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये रिकमेंडेड है CDC से भी और AAP से, यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से भी। तो हमने आदि को कैसे ट्रेन किया कि वो मास्क पहने, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लीड बाय एग्जांपल, आप अपने बच्चों को एग्जांपल देके दिखाएं। जैसे हमारे यहाँ आदि के डैडा रोज मास्क पहन के हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसके एक रूटीन में आ चुका है कि हाँ बाहर जाना है तो हमको मास्क पहन के जाना है। हमने उसको सिखाया है कि बाहर इन्फेक्शन है, कोरोना आ चुका है जिससे तबीयत खराब हो जाएगी, और आपको अगर हेल्दी रहना है तो बाहर मास्क पहन के जाना पड़ेगा। देखिए डैडा पहन के जाते हैं, जब मम्मा जाती हैं तो मम्मा पहन के जाती है, इसलिए आपको भी पहनना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चे इस चीज को लेकर यूज टू होंगे, और जब जरूरत आएगी तो वो भी मास्क पहनने में नहीं हिचकिचाएंगे। सेकेंड पॉइंट, कीप इट पॉजिटिव, मतलब कि हमको बच्चों को ऐसी भाषा में समझाना है कि बच्चे उसको समझे, ना कि उससे डर जाए। आप अपने बच्चों को इस तरह से एग्जांपल देके समझाएं कि देखो बेटा, अगर अपन को ग्रोसरी स्टोर जाना है तो मास्क पहन के जाना पड़ेगा, इससे आप सेफ रहेंगे। आपको समझाना पड़ेगा कि बाहर कोरोना जैसी बीमारी है जिससे अगर हमें सेफ रहना है तो मास्क पहनना पड़ेगा। दूसरा, आप इस तरह से समझाएं कि बाहर जाओगे बेटा मास्क पहनोगे तो आप खुद भी इन्फेक्शन से बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे। इससे बच्चे को प्राउड भी फील होता है और उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वो इस पॉजिटिविटी के साथ मास्क भी पहनेंगे और खुशी खुशी मास्क पहनेंगे। कुछ क्रिएटिव करें, मेक इट क्रिएटिव, बच्चों को क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है, तो आप उनके साथ बैठ के जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं उनको आप डेकोरेट करिए, या तो कुछ कलर्स करवाइए और फिर वो पहनने को दीजिए। इससे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो मैंने बनाया, और आप खुद भी पहनेंगे तो बच्चे लगेगा कि मैंने भी पहना है और मम्मा ने भी पहना है, तो उसको क्रिएटिविटी लाए तो वो बच्चे और भी इंजॉय करेंगे उसको पहन। शो अदर्स मॉडलिंग मास्क वियरिंग, मतलब कि आप अपने बच्चों को दिखाएं कि देखो उसने भी मास्क पहना है। जैसे हमारे यहाँ हम आदि को दिखाते थे कि डैडा मास्क पहन रहा, हालांकि वो रोज देखता था डैडा मास्क पहन रहे हैं। मैं उसको गैलरी में खड़े होकर दिखाती थी, देखो जितने लोग जा रहे हैं सब मास्क पहने हैं क्योंकि बाहर कोरोना आ चुका है। आप
फोटोज नेट से सर्च करके दिखाएं, देखो हर बच्चे ने पहना है और हर बड़े ने पहना है, इसको पहनने से आप हेल्दी रहोगे और सेफ रहोगे। तो इस तरह से दिखाने से बच्चों में लगेगा कि हाँ इसको पहनना जरूरी है और वो पहनने का इनिशिएटिव लेंगे। है कि आप उसको फन में बनाएं, यानी कि बच्चों को जो अट्रैक्ट करे, कलर्स लें, अच्छे ब्राइट कलर्स लें, कार्टून कैरेक्टर्स लें, एनिमल प्रिंट्स लें, जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, इससे बच्चा उसको पहनने में और इंजॉय करेगा और उसको मजा भी आएगा। मेक इट प्लेफुल, मतलब कि आप मास्क पहनने को कोई बर्डन ना बनाए, उसको कोई काम ना बनाए कि नहीं मास्क पहनना है, ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है बच्चों के साथ। आप बच्चों के टॉयज के साथ जब बच्चा खेल रहा है तो मास्क पहनाए, देखो इसको मास्क पहनाया है, इसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ये एकदम ठीक रहेगा। इस तरह से खेल खेल में बच्चा देखेगा कि हाँ मास्क पहनना एक रूटीन में चीजें आ चुकी हैं, तो वो इसको नॉर्मली लेगा। इसलिए आप बच्चे को बिल्कुल डराना नहीं है, उसको प्लेफुल तरीके में सिखाएं। सबसे आखिरी पॉइंट, मास्क जो भी आप बच्चों के लिए यूज करें वो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो कहीं से भी गड़े नहीं, उसकी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, उसको कहीं से भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर उसका ब्रीदिंग होना चाहिए। ये कुछ टिप्स थी कि हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं कि उनको मास्क पहनना है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर फिटिंग क्या है बच्चे की मास्क पहनने की। तो जब भी आप बच्चों के लिए मास्क या बनाएं या खरीदें, तो ध्यान दें कि मास्क जो है वो पूरा इस तरह से नोज को कवर करते हुए इतना माउथ कवर करना चाहिए। उसके इलास्टिक या बैंड जो भी आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर फेस के कॉर्नर पे स्नगली फिट होनी चाहिए। बाहर जा रहे हों तो मास्क पहनने से पहले हैबिट डालें कि बच्चा अपना हैंड वॉश करके मास्क पहने। उनको बार बार रिमाइंड कराएं, बार बार याद दिलाएं कि कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं छूना है बाहर बाहर। जब बच्चा रेडी हो जाए तो बस एक एंथुसियास्टिक थम्स अप जरूर दीजिएगा, इससे बच्चा बहुत प्राउड फील करता है कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया। और जब लौट गए तब भी हैबिट डालें कि वो अपना मास्क उतारें, हैंड वॉश करें, फिर उसके बाद कपड़े बदलें, तभी अपना फेस छुए। इस भी बच्चे की हाइजीन प्रैक्टिस में आएगा। और फिर लास्ट में बच्चे को प्रेस करना, बच्चे की तारीफ करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं और वो उस काम को और करना चाहते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें। ये कुछ टिप्स थे जो हम आदि के साथ यूज करते हैं ताकि वो मास्क पहने, और काफी हमको हेल्प मिली है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमको काफी हेल्प मिली है। वो प्रॉपरली मास्क पहनता है, वो बाहर जाने में एक बार भी कोई चीज ना टच करता है, ना वो अपना मास्क उतारता है। आप ये मत सोचिए कि छोटे बच्चे हैं समझेंगे नहीं, वो बहुत अच्छे से हर चीज समझते हैं, बस आपको समझाना अच्छे तरीके से है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।